बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हम किसी ऐसे इलाके में चले जाएँ जहाँ में जहाँ पर हमारे पास प्योर वाटर नहीं है या वाटर के अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, कुछ डर्ट वगैरह है, हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। और हमारे पास जो आजकल कहने की लेटेस्ट फिल्टर यूज़ हो रहे हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए, वो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि घर में मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ये वाटर की प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल कहने के हमारे पास एक कहने के ये यूजेबल 1.5 लीटर की बोतल ये हमारे पास हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चारकोल, ठीक है, ये काफ़ी जो है कार्बन की फॉर्म चारकोल, सैंड है और स्टोन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने हमारे पास जो बॉटल है इस बॉटल को हम इस तरीके से काट लेंगे। Thank you.
कोई ड्रॉप आना शुरू हो गया और आप देख रहे हैं कि जो वाटर ऊपर हमने डाला था वो बहुत ज़्यादा डर्टी और ब्राउन शेड का था, मिट्टी कलर का और जो नीचे आ रहा है बिल्कुल जो वाटर है वो नीचे का इसके लिए माइक्रो लेवल पे पानी जो है नीचे ग्लास के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया जी। तो बना रहे हैं पानी, क्या ये पानी साफ है? तो ठीक है, ये वॉयस आपको नज़र आ रहा होगा, ये पानी जो नीचे आ रहा है इस वक्त जो है इसके अंदर किसी किस्म के सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है, कोई तिनका नहीं है, कोई डर्ट या क्ले वो वैसे में नहीं है। तो ये इसी के से हमने एक कहने के सस्पेंडेड पार्टिकल्स या क्ले इस पानी के बहुत ज़्यादा है, जैसे नहर का पानी हमारे पास है कुछ इलाकों में आपको पता होगा कि पीने का साफ पानी नहीं मिलता, तो वहाँ पर ये एक छोटा सा फिल्टर जो है जिसके जरिए से हम एक कहने के बहुत ही लो क्वालिटी वाटर जो है उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। फर्दर इसको हम बॉयल कर देंगे ताकि जर्म्स वगैरह इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह अगर हैं यहाँ पर तो वो किल हो जाए, उसके बाद हम इसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाटर ऐसा ऐसा ट्रैवल करता हुआ इन लेयर्स में से गुजरता हुआ स्टोन के लेयर, सैंड के लेयर और चारकोल के लेयर से ट्रैवल करता हुआ ऐसा ऐसा वो नीचे ग्लास के अंदर आना शुरू हो गया, ड्रॉप बाई ड्रॉप आना शुरू हो गया। और आप देख रहे हैं कि जो वाटर ऊपर हमने डाला था वो बहुत ज़्यादा डर्टी और ब्राउन शेड का था, मिट्टी कलर का, और ये जो नीचे आ रहा है वो बिल्कुल प्योर वाटर आ रहा है जो कि नीचे ग्लास के अंदर। तो इस तरीके से हम माइक्रो लेवल पे हम छोटा सा प्योरीफिकेशन जी वाटर, ये देख रहे हैं आप पानी जो है नीचे ग्लास के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया जी, नजर आ रहा है आपको पानी जी, क्या ये पानी साफ है? बिल्कुल ठीक है, ये वाइज आपको नजर आ रहा होगा ये पानी जो नीचे आ रहा है इस वक्त जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर्ट या क्ले वो वैसे भी नहीं है। तो ये इस तरीके से हमने कहने के सस्पेंडेड पार्टिकल्स या क्ले इस पानी के बहुत ज़्यादा है, जैसे नहर का पानी हमारे पास है कुछ इलाकों में आपको पता होगा कि पीने का साफ पानी नहीं मिलता, तो वहाँ पर ये एक छोटा सा फिल्टर